बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आयजा जा रही है अपने ताया अबू के घर, यानी कि मेरे बड़े भाई के घर, जो इसी गांव में रहते हैं, लेकिन उनका घर हमसे 2-3 गलियां छोड़ के है। तो उसकी मम्मा उसको कपड़े पहना रही थी। ये देखें, आयजा नहा के हटी है। आयजा माशाल्लाह से बहुत क्यूट है और मोबाइल की तो दुश्मन है। ऑल टाइम कहती है कि मेरे पास मोबाइल हो और मैं देखती रहूं। किसी के पास भी हो मोबाइल, उसके हाथ में रहने नहीं देती, ये खुद ही ले लेती है। आयजा की मम्मा ने उसके बाल बना दिए हैं, ये देखिए कंघी कर दी है, सुरमा पहले लगा दिया था और आप ये मम्मी डैडी सा बच्चा बन गया। ये देखें, आयजा खड़े हो जाओ। ओए आयजा तो हो गई है तैयार और हमने अब घर को लॉक करना है और हमने चले जाना है। जोहा, अजलान और हारस तो ट्यूशन गए हुए हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जाएंगे और वो वैसे भी उधर जाके बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इसलिए उनको हम ट्यूशन भेज के जाने लगे हैं। मैं, आयजा और उसकी मामा जाएंगे। ये हमारे घर के बाहर का सीन है, ये देखें हमारे गली में भैंसे भी हैं और मेरे ख्याल में गांव का हुसन जो होता है ये भैंसों की खेतों की वजह से ही होता है। अगर गलियों में गांव में भैंसे ना हो तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा कि फिर वो गांव तो नहीं रहेगा ना। और मुझे अच्छा लगता है कि गांव में गलियों में भैंसे हों, दरख्त हों। ये देखें, ये मस्जिद है, मस्जिद के पास हम टर्न करेंगे। ये एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल है रास्ते में। ये देखें, ये एक हवेली है, उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ है। ये जहाँ पे ये सारे घर हैं, पहले यहाँ पे सारे खेत होते थे और आप यहाँ पे लोगों ने घर बना लिए हैं। भाई ने भी यहाँ पे अपना घर बनाया है, ये उनका घर है और गांव घर के दूसरी तरफ में सारे खेत हैं। अभी हम उनके घर में एंटर हो रहे हैं। ये भाई के घर के बाहर का मंजर है सारा, माशाल्लाह से हरे भरे खेत हैं। अभी फसल की कटाई हुई थी गंदम की, तो इसलिए बाकी जो फसल बोई हुई है वो भी छोटी छोटी है। देखें कितने ग्रीन और कितने फ्रेश हैं। अब मैं आपको छत के ऊपर से ये सारा व्यू दिखाती हूँ। सीढ़ियों से मैं आपको छत पे जा रही हूँ। आइजो मेरे साथ है, वो रो रही थी किसी बात से, इसलिए आप उसकी आवाज़ आ रही है। ये देखें छत है, छत माशाल्लाह से काफ़ी खुली है। गर्मियों में छत पे सोते हैं और देखें ये छत के ऊपर से हमारा गांव। वो दूसरी साइड पे रोड है, आपको दूर नज़र आ रही होगी। अभी रोड पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं जा रही, इसलिए आपको क्लियर नज़र नहीं आया। ये खेत हैं सारे, ये सारे खेत ही होते थे पहले। अब लोगों ने इधर ज़मीनें खरीद ली हैं, अपने घर बना लिए हैं और ये खेत थोड़े कम हो गए हैं। हमारे गांव में माशाल्लाह से हर सहूलत है, पेट्रोल पंप भी है, स्कूल, कॉलेजेस, बैंक, हर चीज़ है माशाल्लाह से। अब मैं छत से नीचे जा रही हूँ। ये छोटा सा व्लॉग था आप लोगों के लिए अपने हमारे गांव का, मैंने आपको मंज़र दिखाया। इंशाल्लाह कभी आप लोगों को अपने घर गांव का सारा की सैर करवाऊँगी और दिखाऊँगी हमारा गांव माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। ये दीवारों पे जो पेंटिंग बनी हुई है ये मैंने और राबिया ने बनाई थी। राबिया बड़े भाई की बेटी है माशाल्लाह से। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।